भजन ये बात याद रखें, ये अगर हम रिपीट करते रहेंगे तो फिर टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा, इतना टाइम नहीं है। तो मैं जो भाई कह रहे भी है, इंशाल्लाह आप फिक्र नहीं करें, किसी भाई के साथ कोई भी यहाँ चीज जो है पोशीदा नहीं रखी जाएगी, बाद में भी आप लोगों से रब्ता रहेगा। हमने सिर्फ ये फंक्शन जो मदारी का खेल नहीं है, ये फंक्शन तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी साफ दिली की ये सामने ये सारी निशानी है ना। इंशाल्लाह अगर आपके पास इलम नहीं हमने पहुंचाना तो मदारी का तो पहले ही बहुत है, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, जो भी पिता साहब होगा उनके साथ आपके रास्ते हो गए, नहीं तो ये जो यूनिफिकेशन वाले एडमिन है इनसे रब्ता करें, आपको हर चीज मिलेगी इंशाल्लाह। और दूसरे अगर कुछ चीज रह जाएगी तो इंशाल्लाह मजीद प्रोग्राम है तो वहाँ आके आप हमारा जिलेबान पकड़ सकते हैं, जो कोई चीज पोशीदा रखेगा वो हमारे प्रोग्राम से फारिग है। तो आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह, कोई किसी की चीज रह जाएगी तो इंशाल्लाह हम दोबारा उसको रिकवर करवा देंगे इंशाल्लाह। गुजारिश ये है मुख्तसर सी कि आप लोग परेशान ना हो, तसल्ली रखें, ये सारे का सारा प्रोसेस जो उन्होंने बताया है वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, और उसके लिए जो जो आपके सवालात होंगे उसके लिए हाजिर हैं फहीम साहब, और जो जो भी असाज़ा हैं वो आपके सवालात के जवाब देंगे। तो इसलिए इत्मीनान रखें, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, उसका जो है पूरा अमल को शुरू करते हैं। पहले फवायद मैंने बता दिए, ठीक है जी। सबसे पहले हम सोना लेंगे, सोना वो रात में लें, 24 कैरेट में लें, ये आधा माशा सोना बुरादा 24 कैरेट में है। ये सोना डल गया, 20 ग्राम शोरे का तेजाब डालेंगे, 20 ग्राम शोरे का तेजाब डालेंगे। अच्छा, इसके बाद हम 20 ग्राम नमक का तेजाब डालेंगे, लेकिन अब यहाँ एहतियात करनी है, इसका जो धुआं है, रिएक्शन है, वो जहरीला है। ये मेरे शागिर्द हैं, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। जी ये 20 ग्राम है, 20 ग्राम है ये शोरे का तेजाब। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके नमक का तेजाब डालेंगे, वैसे 80% का मिल जाता है, 80% का मिलता है। अब ये रिएक्शन करेगा जनाब, ये भी 20 ग्राम है, थोड़ा-थोड़ा, ये थोड़ा-थोड़ा करके डाला जाता है। एक मिनट सब्र कीजिए, कोई चीज ऐसी नहीं होगी, कोई मेल उसके ऊपर रखे नजर आए तो ज्यादा अच्छी बात है कि उसका धुआं मुखालिफ सिमत पे जाए, आप उसके सामने ना खड़े। बस इसका तेजाब हम पूरा कर लें, इसको फिर हम छोड़ देंगे, इसका तेजाब पूरा करके हम इसको छोड़ देंगे, 2 घंटे में 3 घंटे में ये तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद अदके गुलाब से आतशा डालेंगे, जब सोना गल जाए उसके बाद हम इसमें अदके गुलाब से आतशा हमदर्द का हम लाए हैं, वही इस वक्त बेस्ट चल रहा है, तो वो उसमें डालेंगे। माशाल्लाह हमारे अलमासी साहब ने कहा था कि 5 दहता डालोगे और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जी ये पूरा हो गया है ये वाला अमल, अब हम इसका इंतजार करते रहेंगे, सोना गल जाएगा, जो ही मुमकिन है ये जल्दी गले, इसलिए कि हमने सोने को बुरादा बनाया। हो गया नहीं है, अभी है नीचे, माजरा ऊपर उस जगह पे रख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप करीब रहेंगे इसके, तो ये जो ही होता है। तो फिर इसका अगला अमल सिर्फ एक ही रह गया है, वो अर्के गुलाब सोना गल जाए, अर्के गुलाब से आतशा इसमें डालें, अब ये आपके पास तैयार है। अच्छा तरीका इस्तेमाल, खुराक इसको ड्रॉपर में डालना है, और बंदे के हिसाब से आखिरी 5 कतरे पानी में डाल करके, और 2 कतरों से शुरू करें और 5 कतरे डालें, वो बचिए
ستائشی شکر تھا، نبض اعصابی تھی اس کی، اس کو میں نے دیا، 7 سے 8 مہینے میں شکر بالکل ٹھیک ہو گیا، میری پیدائشی شکر 7-8 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو گیا۔ خودی میں کام نہیں کرے گا، پہلے آپ اس کے جگر کی اصلاح کریں، اس کو عضلات میں لے کے آئیں، پھر اس کے بعد یہ کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ عضلات میں، عضلاتی خودی میں یہ کام کرے گا، یعنی دل والے پہ کام کرے گا، اعصاب رطوبات بڑھ جائیں اس پہ یہ کام کرے گا۔ لیکن دل کی نبض ہوگی جب، تو اس میں آپ نے کوئی ملین ساتھ دینا ہے کہ یہ منقبض المزاج ہے، اور اس لیے جب آپ ملین دیں گے تو یہ اچھا کام کرے، یہ اپنا کام کرے گا، وہ اپنا کام کرے گا۔ اور کوئی سوال؟ کوئی سوال کرنا چاہے گا؟ اب کے گلاب یہ اس میں ہم نے شامل کرنا ہے 125 گرام۔ یہاں ایک سوال آیا وہ کہ ہمدرد کا کوئی عرق نہیں مل رہا، میں لایا ہوں، یہاں نہیں مل رہا ہوگا، خود بنا لے یا کچھ اچھے حکیم صاحب جو بناتے ان سے آپ لے لیں، ٹھیک ہے؟ جی سے عادشہ، سہ عادشہ، 5 عادشہ ہوتے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، ان سے عادشہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ ملین 5 دے دیں آپ، ٹھیک ہے؟ ملین 5 دے دیں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ عضلات ہی میں، جب عضلاتی ہوگا تو پھر یہ قبض کرتا ہے، تو اعصاب میں قبض نہیں کرتا، وہ پہلی رتبہ تو بھری ہوئی ہے اس کے اندر، ٹھیک؟ جی بالکل، پہلی عضلاتی ہے نا، یہ بھی تو منقبض المزاج ہے نا، خشک ہے نا، جی